नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में। आज दोस्तों तारीख है 21 जून और आई होप आपको सबको गूगल एडसेंस का पेमेंट मिल गया होगा रात 10 बजे तक। आप कुछ लोगों इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा एडसेंस अकाउंट नहीं है, और भाई जिनके पास एडसेंस अकाउंट है और जिनकी पेमेंट ड्यू थी तो उनको आज 21 अगस्त को पेमेंट हो गई है जुलाई मंथ की। तो आप इंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। अब चलिए शुरू करते हैं एडसेंस अल्टरनेटिव। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडसेंस को अगर सामान्यतः हम कहें तो इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एडसेंस खुद में, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एडसेंस के पास जो भी प्रोडक्ट है वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, जैसे चाहे वो यूट्यूब हो या अन्य कोई हो। तो सबसे बेस्ट तो एडसेंस है, क्योंकि इनके पास अगर हम टोटल एडवर्टाइजमेंट की इन्वेंट्री देखें तो तकरीबन आपको 85% से 90% तक आपको इन्वेंट्री मिलेगी। तो गूगल एडसेंस तो बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं करते हैं तो आपको सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मैंने पहले ही बताया है वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, कि एफिलिएट प्रोग्राम से जितना पैसा मिलता है, यानी कैश फॉर सेल से, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे जितना कमीशन मिलता है उतना सीपीसी में नहीं मिलता है जितना कि सीपीएस में मिलता है। कैश पर क्लिक, जैसे एडसेंस है वो क्लिक करने पे पैसा मिलता है, जब कोई ऐड देखता है और उस पर क्लिक करता है तो आपको अर्निंग होती है। तो एडसेंस के कई अल्टरनेटिव्स हैं, आप देखेंगे 50 अल्टरनेटिव आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ बेस्ट अल्टरनेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने किन का इस्तेमाल किया है और मैं पेमेंट का थोड़ा सा जान पेमेंट की थोड़ी सी मैं जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों पहले मैं अगर एडसेंस के सेकंड नंबर की बात करूं तो मीडिया डॉट नेट है। अब मीडिया डॉट नेट को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये याहू वालों का है, याहू और बिंग मिलके ये काम कर रहे हैं इस पे एडवर्टाइजमेंट पे। तो अगर याहू और बिंग मिले हैं तो इसमें अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अच्छी बात ये है कि आप, अच्छी बात क्या, हम लोगों के लिए तो बुरी ही बात है। अगर आपकी ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक है कहाँ से, अगर इंडिया से है तो आपका अकाउंट लगभग ना के बराबर अप्रूव्ड होगा। अगर आपका है, आपकी ट्रैफिक जो है वो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या फिर रसिया से आ रही है तो वो इनको प्रेफरेंस देते हैं। ये एशियन कंट्रीज़ को कम प्रेफरेंस देते हैं और सो तो इनका अकाउंट अप्रूव्ड नहीं हो पाता है। तो आप आजमा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। $100 इसका मिनिमम पेमेंट है। रेवेन्यू हिट्स मैं सेकंड नंबर पे इस समय ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली ये जो इनका कंटेंट ऐड होता है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का ऐड होता है, और इसमें पॉपअप और कंटेंट ऐड, बैनर सेट दोनों होते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने किया था, पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने $174.5 का मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। तो तीसरे नंबर पे है पॉपअप ऐड। पॉपअप ऐड पॉपअप ऐड देता है जो नेक्स्ट पेज पे खुलता है, और ये पॉपअप ऐड के बारे में, अगर आप अपनी वेबसाइट पे पॉपअप ऐड देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और इसमें आप चाहे जैसी ट्रैफिक हो उसको मोनिटाइज कर सकते हैं सिंपली तरीके से। ये अकाउंट अप्रूव्ड होगा, ये अकाउंट तो तुरंत अप्रूव्ड हो जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगते हैं पॉपअप ऐड में, तो आपका पॉपअप ऐड एक्टिवेट हो जाता। सबसे बेस्ट बात पॉपअप ऐड की मुझे क्या लगती है, अच्छी बात यह है कि ये डेली पेमेंट करता है, रात 11:30 बजे डेली पेमेंट आ जाता है पेपॉल के माध्यम से। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये डेली पेमेंट करते हैं, और मिनिमम $5, तो $5 का मिनिमम पेमेंट है तो ये सबसे अच्छा है। इसके बाद मैं चौथे नंबर पे बिड एडवर्टाइज़र करूँगा, इस पे तकरीबन मैंने $225
लगभग कमाए हैं, और $225 में आप बिड एडवर्टाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उसमें भी एडसेंस, जैसे एडसेंस में एड मोब का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आप बिड एडवर्टाइज़र का भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर मोबाइल के लिए देखा जाए तो बिड एडवर्टाइज़र अच्छा ऐड देता है, और इस ऐड में ज़्यादा एप्लीकेशंस के ज़्यादा ऐड होते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फो लिंक को मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूँ। इन्फो लिंक में अच्छाई ये है कि बैनर तो ऑटोमेटिक देता है, इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे ऐड डिस्प्ले होता है जब कोई अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाता है। तो ये बेसिकली इनका टेक्स्ट होता है, और कुछ टेक्स्ट को ये वे देखते हैं और उस टेक्स्ट से मिलते जुलते अगर इनके पास हैं चीज़ें तो वो उस पे ऐड लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा इन्फो लिंक को, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉपअप ऐड का मिनिमम पेमेंट $10 है, पर मंथ पेमेंट होता है। इन्फो लिंक का $50 है। सारा अगर देखा जाए तो सभी पेपॉल के माध्यम से करते हैं, सिवाय media.net को शायद छोड़ के, हो भी सकता है, मुझे याद नहीं है। और उसके अलावा आपको सब जगह पेपॉल का अकाउंट के माध्यम से पेमेंट होता है, अच्छा भी होता है। ऐड नाउ, अगर नेटिव ऐड के बारे में आप शौकीन हैं, अकाउंट जल्दी से अप्रूव्ड होना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने $100 के आसपास इसका अकाउंट का आपको मैं दिखा चुका हूँ प्रूफ पिछली वीडियो में, जो थोड़ी मोटिवेशनल थी। इसके अलावा आप एडवर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये $20 का मिनिमम पेमेंट है। इसके अलावा एडवर्सल का कर सकते हैं, और चित का कर सकते हैं, क्लिक श्योर का कर सकते हैं, बिजलिंक का कर सकते हैं। ये बेहतरीन है, ये रिव्यू के लिहाज से अच्छा है इन सब को। इस पे भी ट्वेंटी चित का पे जो है $20 आता है, इस पे भी अच्छा ऐड आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजलिंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिक श्योर एंड एडवर्सल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें बात की जाए तो मैंने अभी तक ये जो ऊपर के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये छह पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और मैंने इन सब से पेमेंट भी प्राप्त किया है। लेकिन मैंने चीतका का अकाउंट बनाया था और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे इससे पेमेंट नहीं प्राप्त हुई। हाँ, हो सकता है अकाउंट को लॉगिन करें तो $2-4 उसमें पड़ा हो। इसके अलावा मैंने एडवर्सल का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही क्लिक श्योर का, ना ही बिजलिंक का। तो रिव्यू के हिसाब से ये अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू हिट्स का इस्तेमाल करिए। अगर आपके ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक अगर 100-200 लोग विजिट कर रहे हैं तो मोनिटाइज हिम्मत करिए, मेहनत करिए। हाँ, अगर 1,000-500 लोगों पर डे विजिट हो रहे हैं तो आप ऐड दीजिए, और पॉपअप ऐड दीजिए, या फिर बिड एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जुड़िए, या फिर रेवेन्यू हिट के माध्यम से जुड़िए, किसी से भी जुड़ सकते हैं आप। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप इन सारी चीज़ों से जुड़े, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ दोस्तों, ये रहा मेरा पेपाल का अकाउंट, आप इसमें देख सकते हैं। मैं कुछ छोटी सी बात बताऊंगा कि इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये जो टॉम सॉफ्ट है, ये पॉपअप ऐड का अर्निंग है, और ये जो है ये है ऐड नाउ की अर्निंग, जो यस आर जी डेवलपमेंट लिमिटेड है। ये फाइबर डॉट कॉम से मुझे पेमेंट मिला था, मैंने कोई वेबसाइट पे काम किया था। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही है, एस आर जी एड नाव का पेमेंट है, इस पे भी वही एड नाव का पेमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉपअप ऐड का पेमेंट है, पॉपअप ऐड का पेमेंट, पॉपअप बिड एडवर्टाइज़र का पेमेंट है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पेमेंट है किसका, ये पेमेंट है, वो ये पेमेंट है इन टैंगो, मतलब रेवेन्यू हिट का पेमेंट है। इस तरीके से आप पेमेंट देख सकते हैं। तो मैं, मेरी सबसे अच्छाई बात है या ख़राब बात है कि मैं लोगों को सही जानकारी देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, लोगों को बताएं। और आप हमारे चैनल में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्त दीजिए,
और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मुझे जितना आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।